हेलो फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल प्रभात एग्जाम में आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बीपीएससी के लिए ऑप्शनल सब्जेक्ट का चयन। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाकर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, सो दैट नेक्स्ट टाइम जब भी हमारे चैनल पे कोई भी वीडियो अपलोड होगा तो आपको अपडेट्स मिल जाएंगे। तो आइए बात करते हैं, सही वैकल्पिक विषय का चयन कैसे करें या सही तरीके से वैकल्पिक विषय का चयन कैसे करें। ये एक ऐसा प्रश्न है जो अधिकांश बीपीएससी उम्मीदवारों को परेशान करता है। बीपीएससी परीक्षा पैटर्न में बदलाव के साथ अब एक उम्मीदवार को बीपीएससी मेंस के लिए केवल एक वैकल्पिक विषय को चुनना होता है। इसकी परीक्षा मेंस में 300 अंकों के लिए ली जाती है। तो आइए समझते हैं कि बीपीएससी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन कौन है। उम्मीदवारों के लिए कुल 37 वैकल्पिक विषय उपलब्ध है। सबसे पहले हम आपको बीपीएससी मेंस परीक्षा के लिए उम्मीदवारों के बीच कुछ सबसे लोकप्रिय वैकल्पिक विषय के बारे में बताने जा रहे हैं। बीपीएससी के लिए सबसे लोकप्रिय विषयों में भूगोल, इतिहास, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, LSW, नागरिक शास्त्र, हिंदी साहित्य और एंथ्रोपोलॉजी। ज्योग्राफी, भूगोल का एक निश्चित पाठ्यक्रम है और पाठ्यक्रम के अनुसार ही प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको भूगोल में सब कुछ रटने की आवश्यकता नहीं है, बस अवधारणा बनाने की कोशिश करें। वैकल्पिक के रूप में भूगोल तैयार करने के लिए विश्लेषणात्मक शक्ति अधिक होनी चाहिए। कोर भूगोल विषय के साथ भूगोल से जुड़े करंट अफेयर्स को जोड़ने के लिए आपको पर्याप्त सक्षम होना चाहिए। मैपिंग की बेहतर समझ की भी जरूरत है। भूगोल एक अर्थवैज्ञानिक विषय है, इसलिए यह इंजीनियरों, डॉक्टरों और विज्ञान पृष्ठभूमि के छात्रों के बीच अत्यधिक लोकप्रिय है। इतिहास, यह बीपीएससी उम्मीदवारों के बीच सबसे लोकप्रिय विषय है। प्रत्येक छात्र को इतिहास का कुछ आधारभूत ज्ञान होता है, क्योंकि हर कोई स्कूल में एक ही अध्ययन करता है। इतिहास को अधिक समझ और व्याख्या की आवश्यकता है। उम्मीदवारों को उत्तर पुस्तिका में तथ्यों के साथ अवधारणा को जोड़ना होगा। लोक प्रशासन में एक छोटा और निश्चित पाठ्यक्रम है। छोटे सिलेबस के कारण इस वैकल्पिक विषय को 6 महीने की समयावधि में कवर किया जा सकता है। स्वयं अध्ययन के साथ तैयार किया जा सकता है और लोक प्रशासन की तैयारी के लिए कोई विशेष कोचिंग लेने की आवश्यकता नहीं है। LSW, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की तरह LSW में भी एक छोटा और निश्चित पाठ्यक्रम है। वैकल्पिक विषयों की तुलना में कम समय अवधि में कवर किया जा सकता है। नोट्स LSW के लिए आसानी से उपलब्ध है और स्व अध्ययन के साथ तैयार किया जा सकता है। समाजशास्त्र को समझना आसान है और अत्यधिक स्कोरिंग के साथ साथ दिलचस्प है। समाजशास्त्र मानवता और समाज के विषय को शामिल करता है और हम उसी समाज का हिस्सा है। इसमें अमूर्त सिद्धांतों और अवधारणाओं के बीच अंतर करने की क्षमता की आवश्यकता होती है। हिंदी लिटरेचर, हिंदी साहित्य का पाठ्यक्रम सीमित और स्थिर है। हिंदी साहित्य की तैयारी दिलचस्प है और पढ़ने में मजेदार भी। हिंदी वैकल्पिक उम्मीदवारों को कम संख्या के कारण अन्य सबसे लोकप्रिय विषयों की तुलना में हिंदी साहित्य में कम प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा। यदि आप मेंस एग्जाम इन हिंदी माध्यम लिखने जा रहे हैं तो हिंदी साहित्य आपके लिए योग्य है। एंथ्रोपोलॉजी, छोटे सिलेबस के साथ साथ दिलचस्प भी है। मानव विज्ञान अर्धवैज्ञानिक विषय है, इस प्रकार विज्ञान पृष्ठभूमि के उम्मीदवारों के बीच लोकप्रिय है। उम्मीदवार आसानी से विषय को याद रखने के लिए आरेख का उपयोग कर सकते हैं। इन पॉपुलर सब्जेक्ट्स के अलावा आप इन बातों का भी ध्यान रख सकते हैं। शैक्षणिक पृष्ठभूमि, विद्यालय स्तर NCERT कक्षा 11वीं और 12वीं के माध्यम के किसी विषय में अपनी रुचि को पहचाने। उदाहरण के लिए यदि आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो उस चीज को देखें जो आपने कॉलेज में पढ़ी है और उसी के अनुसार कॉमर्स मैनेजमेंट या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का चुनाव करें। विषय में उपलब्ध कोचिंग, अपने सहकर्मियों, दोस्तों, सिविल सेवकों से पूछें और राय लें ताकि आपको अच्छी कोचिंग के साथ साथ अध्ययन सामग्री का भी पता चले। सामान्य अध्ययन के पाठ्यक्रम के लिए वैकल्पिक विषय का योगदान, सामान्य अध्ययन और मुख्य परीक्षा के निबंध पत्रों की दिशा में वैकल्पिक विषय के योगदान के बारे में पिछले प्रश्न पत्रों और पाठ्यक्रम से स्वयं पता करें। हाल के दिनों में वैकल्पिक विषय का प्रदर्शन, इसके तहत आपके पिछले 3 वर्षों के मेरिट लिस्ट को देखें कि किस विषय में कितने प्रतिशत छात्रों ने सफलता पाई है और उसी अनुरूप इसका चयन करें। समय प्रबंधन, समझने की क्षमता के अलावा एक उम्मीदवार को यह तय करना चाहिए कि एक वैकल्पिक विषय का अध्ययन करने में कितना समय खर्च कर पाएगा। कुछ उम्मीदवार विश्वविद्यालय आदि की तैयारी या अध्ययन करते समय काम कर सकते हैं। सामान्य अध्ययन के साथ चुने गए वैकल्पिक विषय का अध्ययन करने के लिए आवश्यक समय की मात्रा
का अनुमान लगाने के लिए सक्षम होना चाहिए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।